नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार व हत्या के मामले में कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित होकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दोषियों को फांसी देने के लिए मांग किया। उन्होंने कहा कि आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में कठोर कार्रवाई करते हुए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। अरविंद कुमार पाठक, हाँ, डिस्ट्रिक्ट बार के हम मंत्री हैं। आज का जुलूस जो है बड़े अफसोस का विषय है। पूरे देश में आग लगी हुई है। जो तेलंगाना में हैदराबाद में जो घटना हुई है डॉक्टर के साथ, बड़ी ही शर्मनाक है। उस पर पूरा देश खड़ा है, हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। और जो आपके अपने जनपद में मुबारकपुर में जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका पूरा परिवार को काट दिया गया। और महाराजगंज थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, जिसमें 5 साल लड़की का रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत निंदनीय है और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी ही घोर निंदा का विषय है। पता नहीं यहाँ की पुलिस क्या कर, जो दुष्कर्म हो रहा है इसको रोका जाए और इसके जो दोषी हैं और उनको तत्काल जो है जनता के हवाले कर दिया जाए। जनता उनका निर्णय कर लेगी। आप नहीं कर पा रहे, जनता कर देगी, नहीं तो उनका कानून के तहत तत्काल फांसी दिया जाए। वो फांसी के पात्र हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये नहीं रुकेगी घटनाएं। और इस घटना को रोकने के लिए आज हमारा अधिवक्ता समाज, जनपद का डिस्ट्रिक्ट बार का सदस्य और मंत्री होने के नाते मैंने इसका संचालन भी कर रहा और मेरा दायित्व है कि समाज में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।